स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बाड़मेर में ही विकास कामों के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ही बीजेपी राज में ही रिफाइनरी का काम रुकने को लेकर सीएम गहलोत की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ही जमकर तंज कसा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी कार्यक्रम से जुड़े थे और धारीवाल ने ही तंज कसते हुए आपको बता दें कि कैलाश चौधरी ने ही बचाव करते हुए कहा कि रिफाइनरी पर ही पीएम का भी नाम ले देते तो फिर ठीक रहता, क्योंकि भारत सरकार का भी 74% पैसा लगा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी के ही प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए। रिफाइनरी के शिलान्यास के बाद से ही हमारी सरकार बदल गई है। वसुंधरा राजे ने ही उस वक्त इसका काम रोक दिया। रिफाइनरी पर ही वसुंधरा राजे ने तर्क दिया कि तेल भी हमारा और जमीन पानी भी हमारा, और फिर भी राजस्थान हिस्सेदारी कम क्यों, और वसुंधरा राजे को अफसरों सही गाइडलाइन नहीं किया। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी में ही राज्य की भागीदारी होती ही नहीं है। कई रिफाइनरी घाटे में चलती है तो कई फायदे में, और इससे बैलेंस होता रहता है। राज्य सरकारें इतना बड़ा घाटा सहन नहीं कर सकती, इसलिए उनकी भागीदारी रिफाइनरी में नहीं होती है। हमारी रिफाइनरी तो भारत सरकार की कंपनी ही बना रही है। और गहलोत ने यह भी कहा कि HPCL रिफाइनरी बना रही है, वसुंधरा राजे सरकार में ही रिफाइनरी का काम बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि इस वजह से ही 40,000 करोड़ से बढ़कर लागत 70,000 करोड़ के पार रही है, और अब तक तो रिफाइनरी बन जानी चाहिए थी जो उस वक्त काम बंद करने से आधी बनी है। और सरकारें तो बदलती ही रहती हैं। हमारी सरकार के वक्त हम पुरानी सरकार के काम बंद नहीं करते, और हमने बीजेपी के कामों को आगे बढ़ाया है, और जब वसुंधरा की सरकार आती है तो हमारे काम बंद कर दिए जाते हैं, जबकि हम ये सोच नहीं रखते। सीएम ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से भी चुटकी ली है, और बाड़मेर के कवास मलवा की बाढ़ के वक्त ही सोनिया गांधी के दौरे के दौरान किए गए विरोध को ही याद दिलाया। सीएम ने कहा कि मुझे याद है कि बाढ़ के समय सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी दौरे पर आए थे, और उस समय आपने विरोध किया था, वहीं से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, और अब तो आपने अच्छा जंप किया है, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, आपको बधाई। उल्लेखनीय है कि कैलाश चौधरी को ही सोनिया गांधी के दौरे के विरोध पर ही पुलिस ने हिरासत में लिया था। गहलोत ने उसी घटना को याद दिलाया। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर प्रदेश में ही किसान कर्ज माफी का ही वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस की गहलोत सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर घेर लिया है। आपको बता दें कि 3 विंडो स्क्रीन में ही बीचों बीच राहुल गांधी का चुनावी वादा बताया गया है, जबकि ऊपर नीचे की विंडो में ही 2 फेमस बॉलीवुड सॉन्ग लगाकर राहुल गांधी को घेरा गया है। 1 से ही 10 तक की गिनती गिनाकर ही सत्ता में आते ही 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ करने के राहुल गांधी के वादे को फिल्मी अंदाज में ही पेश कर अब वादा खिलाफी का सियासी हमला बोला गया है। राजस्थान के किसानों की जमीनों की नीलामी और किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाते हुए पुनिया ने ट्वीट कर कहा है कि पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी का वादा याद दिलाते हुए साफ तौर पर कहा कि मजाकिया अंदाज में बनाया गया है, और जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें चुनाव से पहले राहुल गांधी के राजस्थान में किए गए वादे को बताया गया है, और जिससे राहुल गांधी 1 से 10 तक की गिनती गिनते हुए कह रहे हैं कि 10 दिन में ही नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी, और 10 दिन में ही राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। और वीडियो की ओपनिंग इसकी पहली विंडो में ही फिल्म तेजा में ही माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए गाने 1, 2, 3 में ही ठीक है। आपको बता दें कि जो फिल्म हम किसी से कम नहीं ले लिया है, और राहुल गांधी के वादे की क्लोजिंग को ही इस गाने से जोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह गाना जमकर वायरल हो रहा है, खासकर बीजेपी नेता इसे गुप्त में ही शेयर कर रहे हैं। पुनिया ने 2 ट्वीट किए हैं, और पहले ट्वीट में ही लिखा है कि 2018 में ही राहुल गांधी के इस वादे के कारण ही राजस्थान के किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, किसान आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं, और आपको बता दें इसको लेकर भी थोड़ा बहुत भी ईमान बचा हो तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करें।